नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इसमें कह रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो रेस्ट से स्टार्ट करता है, ट्रैवल अ डिस्टेंस एस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इमीडिएटली आफ्टर इट इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 3 s विद यूनिफॉर्म स्पीड फॉलोड बाय अ डिस्टेंस 5 s विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन एंड कम टू रेस्ट। द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। हम तो हमको मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का रेशियो निकालना। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, इसको ग्राफिकल मेथड से अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चन 54 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 54 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी टी ग्राफ का एरिया जो देता है हमको क्या देता है, वो देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एस डिस्टेंस ट्रैवल किया है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मान लेते हैं वो जो है T1 टाइम तक चला, और कितना एक्सीलरेशन से, कोई एक्सीलरेशन, K1 से चला, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो उस टाइम में इसके पास ये वेलोसिटी आया होगा, और इस दरमियान ये जो एरिया कवर हुआ वो डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस एस है। पढ़ते चलिए क्वेश्चन को पॉज करके। उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये रखा है एंड इमीडिएटली आफ्टर इट ट्रैवल अ डिस्टेंस 3 s। 3 s ट्रैवल क्या है, अभी यूनिफॉर्म स्पीड। तो जितना वेलोसिटी यहाँ पर आया मैक्सिमम वेलोसिटी, उतना वेलोसिटी से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तक में 3 s डिस्टेंस ट्रैवल किया है। थोड़ा अगर आपको बढ़ा लेते हैं कि यहाँ पर लेते हैं s डिस्टेंस तक चले, तो यहाँ से यहाँ तक तो हम T1 माने, और इस टाइम को हम T2 मान लेते हैं, ये टाइम को 3 s डिस्टेंस में। फिर उसके बाद बोला है 5 s विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन एंड कम्स टू रेस्ट। ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव किया उसको डिसलरेट करके 5 s डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो और दूर जाके चलेगा क्योंकि इसका एरिया से एरिया बड़ा होगा, क्योंकि ये 5 s है। तो इस दरमियान जो टाइम होगा उसको हम T3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम को T3 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम को T3, और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को T1। तो हमने T1, T2, T3 मान लिया। ये T2 टाइम है, क्लियर है, T2, और ये 5 s है डिस्टेंस, और ये 3 s है। तो पता नहीं आपको साथ साथ दिख रहा है कि नहीं, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक करके आप इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर लिया जाए तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपको एरिया। तो एरिया जो इस ट्रायंगल का होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू एल्टीट्यूड, ये S1 के बराबर होगा एरिया। एल्टीट्यूड Vm है और बेस इसका T1 है। यहाँ से हम T1 को अगर निकालें तो T1 हमारा हो जाएगा 2 s, S1 नहीं है, S है, बाई Vm हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो ये 3 s हो जाएगा। 3 s जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया Vm इंटू T2 टाइम, हम T2 माने। तो इससे हमारा T2 जो होगा वो 3 s बाय Vm हो जाएगा।
फिर उसके बाद इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये जो रखा है 5s, तो 5s जो होगा वो 1/2 इंटू वी एम इंटू टी थ्री, तो टी थ्री जो होगा यहाँ से वो हो जाएगा 10s बाय वी एम। टोटल डिस्टेंस फाइव एस तो नहीं दे रखा, स्पीड फॉलोड बाय डिस्टेंस फाइव एस विद यूनिफॉर्म स्पीड फॉलोड बाय डिस्टेंस फाइव एस विद यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड, ये निकालना। 5s तक चला है, ये 5s है, ठीक है, तो डरने का बात नहीं है। तो ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 है, हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया है, ठीक है। अब हमको रेशियो चाहिए किससे किसका एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय वी मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होगा यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास कितना है, वो है आपको 2s बाय वी एम, उसके बाद प्लस 3s बाय वी एम, उसके बाद है 10s बाय वी एम, सॉरी ये तो गलत हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो s है, तो s प्लस 3s प्लस 5s ये है, और टोटल टाइम जो हमारा है वो हमने निकाल रखा था 2s डिवाइडेड बाय कितना वी एम, फिर हमने निकाला 3s बाय वी एम, उसके बाद हमने निकाला है 10s डिवाइडेड बाय वी एम। तो ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9s, ये हो जाएगा 9s, एवरेज स्पीड हो गया हमारा 9s, और नीचे में जो होगा सबका वी एम है एलसीएम, तो सीधा ऐड हो जाएगा ये, तो 5 और 10 15s, 15s डिवाइडेड बाय वी एम, तो ये s s तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 VM डिवाइडेड बाई 15। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय वी मैक्सिमम। तो एवरेज स्पीड तो हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम इसको, देयरफॉर तो एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय वी मैक्सिमम, तो एवरेज स्पीड जो हमारा आया था वो आया था 9 VM, ठीक है। 9 VM डिवाइडेड बाय 15 और डिवाइडेड बाय कितना VM, तो VM VM कट जाएगा, तो 3/5 हमारा आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 3/5, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस।